नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्यपूज्यं गुरु सदवीत्या सुविवेच्य सारविशदं शिष्यैश्च संस्मितानां आसीनं रुचिरासीने सतदले सौम्याकृते सन्निभं तमलीलाधृतिविग्रहमयतिवरम् वंदे कबीर परम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितं रहितं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोले सद्गुरु कबीर साहिब की। प्रातः स्मरणीय अखिल विश्व वंदनीय संत सम्राट संत शिरोमणि सरोपमा योग्य मेरे मन मंदिर के मध्य विराजमान देवाधिदेव सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों को त्रैवार साहेब बंदगी समर्पित करते हुए मंचस्थ विराजमान सदगुरु कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए परम पूज्य श्री साहेब जी तथा विभिन्न स्थलों से पधारे हुए संत गुरुजन के पावन चरण कमलों को त्रैवार साहेबंदगी समर्पित करते हुए साथ ही साथ मेरे सभी साथी बहन माताओं धर्मानुरागी परम जिज्ञासु मुमुक्षु निरक्षर विवेकी प्यारे हंसजन परम वंदनीय भक्ति शक्ति के स्रोत वात्सल्यमयी करुणामयी श्रद्धा मूर्ति मेरी माताएं सुहृदय मेरे भाइयों आत्मस्नेही मेरी बहनों वसुंधरा की चमन पर पुष्पित होने वाले हुनहार नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे बच्चों आज हम सदगुरु कबीर आश्रम सकरी इस पावन प्रांगण पर गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर को लाभान्वित करने के लिए विराजमान है। अभी आप संतों से एवं साधु जनों से बहुत ही सुंदर ढंग से विचार एवं भजन का रसपान कर रहे थे। आइए इसी पावन शुभ अवसर पर मुझे भी कुछ विचार रखने की सौभाग्य प्राप्त हुई है। सो आदेशानुसार कुछ कहने के प्रयास करूंगे। किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो जाए तो थोड़ी सी समझदारी के साथ सुधार करके समझने की प्रयास करेंगे। आज हम गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान हैं। सबसे पहली बात तो हमें गुरु तत्व को समझने कि गुरु तत्व आखिरी में है क्या। गुरु शब्द अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करता है। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। आप सब जानते हैं अंधकार शायद किसी को प्रिय नहीं है, केवल प्रिय तो चोर बदमाशों जो अपने व्यक्तित्व को अच्छा जिंदगी जीना चाहेगा उसको अंधकार कभी प्रिय नहीं होता। अपने व्यक्तित्व को जो निखारना चाहेगा अपने व्यक्तित्व के धनी बनना चाहेगा तो शायद उसको जीवन में प्रकाश की आवश्यकता। आप सब जानते हैं प्रकाश के अभाव को ही अंधकार कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से
ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहा जाता है। हम जब गुरु के शरणागति को प्राप्त करते हैं तो तीन चीज हमें प्राप्त होता है। पहले बात है जीवन प्रकाशित होता है, दूसरी बात है हम अमरता को प्राप्त करते हैं, और तीसरी बात है हम ज्ञानवान बनते हैं। असतो मां सद्गमया, ये श्लोक शायद आप सब जानते हो। ये तीन चीज की प्राप्ति होती है। हम जीवन में जरा झांक करके देखें कि गुरु इस शरण में आने के बाद क्या ये तीनों चीज मेरे जीवन में साकार हुआ कि नहीं। अंधकार का तात्पर्य होता है जीवन के दोषपूर्ण जीवन को जीना, दुर्व्यसनों दुर्गुणों के जीवन को जीना ही अंधकार है। आप सब जानते हैं दुर्गुणी व्यक्ति जो होता है, दुर्व्यसनी व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का जीवन अंधकार पूर्ण हो। कभी भी अच्छे लोगों के बीच में जाकर के अपने आप को शायद वो सक्षम नहीं बना पाता है, अच्छे लोगों के साथ बैठना, उनके समकक्ष जाकर के अपने आप को उपस्थिति देना, वो अपने आप को कमजोर पाता है। आप देखे होंगे संत गुरुजनों के साथ में कोई मतवाला शराबी व्यक्ति आकर के उनके निकट बैठने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप के जीवन को अधूरा पाता है। अपने आप के जीवन से वो कोसता है कि शायद मैं इनके साथ में बैठने लायक नहीं। संत गुरुजन नहीं कहते कि आप हमारे पास ना बैठो, लेकिन उसके कुकर्म उनको बैठने देता नहीं, चाह करके भी नहीं बैठ पाता। तो दुर्व्यसनी और दुर्गुणी व्यक्ति के जीवन को जीने वाला प्राणी ही सज्जनों अंधकारमय जीवन को जीता है। सदगुरु कबीर एक शब्द के माध्यम से हमें कहते हैं, हम वास्तविक में गुरु के शरण को प्राप्त किया है प्रमाणित कैसे हो, कैसे जाने कि वास्तविक में हमने गुरु का शरण पाया है, गुरु का आशीर्वाद हमें मिला है, गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ये प्रमाणित कैसे हो। सदगुरु कबीर बताते हैं उसको प्रमाणित करने का बिल्कुल सरल। अगर संतों सहज समाधि भले, जब से दया भई सतगुरु की सुरती ना ही टली। जहां जहां डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, घर उद्यान एक सम देखूं भाव मिटाऊं दूजा। अपने अंतरात्मा से हम पूछें प्रश्न, अपने व्यक्तित्व अपने चरित्र अपनी आचरण अपनी कर्तव्य को झांकें कि वास्तविक में मैंने गुरु की शरण में गया तो वहां जाने के बाद मेरा जीवन कैसा है। हम दूसरे को देखना बहुत जानते हैं, पर भूल तो हम वहां करते हैं कि खुद को देखना पसंद नहीं करते। दूसरों को हम खूब झांकते हैं, खूब देखते हैं कि ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, पर मैं क्या कर रहा हूं ये हम नहीं टटोल पाते। सदगुरु कबीर बताते हैं गुरु के शरण को तो यही व्यक्ति प्राप्त करता है जिनकी सुरति निरति बढ़िया हो जाए, ध्यान अच्छा हो जाए। और ध्यान हमारा परिपक्वता को कब प्राप्त करेगा, सहज में समाधि हमें कैसे प्राप्त होगा, तो साहेब प्रमाण पत्र बताते हैं। और प्रमाण पत्र है क्या जी, जब से दया भई सदगुरु की, सदगुरु की शरण जब से अगर आपने पाया है तो सुरती मतलब आपका ध्यान और कहीं नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं
एक तरफ हम सदगुरु की भक्ति भी करते हैं और दूसरी तरफ हमारा मन इतना भटका हुआ है कि थोड़ा सा प्रलोभन कहीं दिख जाए तो हम भटक जाते हैं। आजकल लोग कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अच्छे अच्छे कबीर पंथी इसमें भूल गए, अच्छे अच्छे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि रोग मिटे कछु औषध खाए। भूख लगेगी, अरे थोड़ा सा प्रयोग करके तो देखो भाई, कदाचित आपको भूख लगा है। अब भूख लगने के बाद शिव जी में एक लोटा जल चढ़ा दो और आपकी भूख समाप्त हो जाए। बहुत बड़ी परीक्षा की बात नहीं है क्या? यह संभव है? अगर यह संभव नहीं तो और संभव कैसे? तो हम जरा भी अपने सदगुरु कबीर का सिद्धांत वास्तविक में कहे तो वैज्ञानिक तथ्य को जागृत करता है। पूरा विज्ञान है। आप ऐसा नहीं समझ लेना सदगुरु कबीर का जो मार्ग है ना, उन्होंने साफ कहा था अपने जीवन काल में, सब तो कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आखन के। लेकिन हम लोग कहां भटक गए? सब तो कहे कागज की लेखी नहीं, हम वही कागज की लेखी में भूलते चले जा रहे हैं। जीवन में प्रयोग करना तो हम जानते ही नहीं है। थोड़ा जीवन को प्रयोग करके तो देखिए, जैसे आप प्रयोग करके देखेंगे तो साफ निष्कर्ष आपके सामने आ जाएगा। सदगुरु कबीर जैसे गुरु को पा करके कदाचित कोई व्यक्ति मुक्ति के लिए रोता है तो उससे अभागा इस जिंदगी में, मानो जिंदगी में और कोई हो सकता नहीं। ये बात इसलिए मैं नहीं कह रही हूं कि मैं कबीरपंथी हूं, इसलिए मैं नहीं कह रही हूं कि कबीर की दोहाई, इसलिए मैं नहीं दे रही हूं कि मैं खुद कबीरपंथी हूं। इसलिए थोड़ा अपने अपने हृदय से टटोल करके तो आप देखो, स्पष्टवादी एकदम कहना चाहे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी ज्यादा निरीक्षण करने वाला सदगुरु कबीर का सिद्धांत है। अब उसके सिद्धांत को पाकर के अगर प्राणी भटकता है तो उनसे भला अभागा कौन हो सकता है? और कोई हो सकता है? प्रयोग ही करना है तो यहाँ प्रयोग कीजिए ना। साहिब कहते हैं, जहां जहां डोलू सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। मतलब ये नहीं है कि चोरी भी करोगे तो पूजा हो जाएगा। जो कुछ का मतलब सात्विक कर्म। लोग ये भी समझ लेंगे हम चोरी करें, डकैती करें, गुंडागर्दी करें, ये इसको भी पूजा मान लिया जाए, ये नहीं। पूजा का उद्देश्य वो नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित जी जब सुखदेव मुनि महाराज से भागवत सुनने के लिए बैठा, वेदाभ्यास मुनि महाराज जी उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप, क्योंकि मृत्यु से घबराया था, मृत्यु से घबराया हुआ प्राणी कहीं भी जाता है। जिसको मृत्यु का भय नहीं खाता ना, उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। आज नहीं तो कल होना है, ये कोई हृदय से मान ले तो उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है। पर जिनको मृत्यु नाम से ज्ञात ही नहीं, वास्तविक में कहो जिंदगी में, तो मृत्यु बिल्कुल सत्य है, एकदम परफेक्ट। सत्य को समझने के लिए मृत्यु परफेक्ट है। कैसे? जो संसार में आया है उसका एक ना एक दिन इस शरीर का परिवर्तन होगा ही होगा। जीवन को हम समझते हैं कि सत्य है, भासता है हमको। जीवन सत्य है, मृत्यु असत्य है, भासता है। वो कब? कोई आपका साहेब बंदगी करे और साहेब बंदगी करते समय आप कहेंगे कि आप मरने वाले हैं, तो शायद वो साहेब बंदगी करना छोड़ जाएगा। हटाओ इसका, कौन बंदगी करे भाई, ये उल्टा पुल्टा बोलता है, मरने का याद दिलाता है। और अगर वो साहेब बंदगी करते समय ये कह दे आयुष्मान भव चिरंजीव दो चार हो आपको अच्छे से
बात बताते हैं तो आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि मुझको बहुत बढ़िया उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा चिरंजीव भाव आयुष्मान भाव, तो क्या आप दुनिया से नहीं जाओगे? जरा दिल से पूछो तो उनके कहने से रह जाओगे क्या? लेकिन उसे सुन करके हमारे कान कर्ण प्रिय, हम इतने प्रसन्न होते क्या पूछना। लगता है कि हम जीवन से कभी हारेंगे नहीं, मृत्यु का कभी दर्शन होगा ही नहीं। हम उनसे उनसे प्रसन्नता जाहिर करते हैं, अब मर जाओ कहने वाले से हम नाराज हो जाए। लेकिन दिल से पूछो कि सत्य बात क्या है। आज नहीं कल हम मृत्यु के गोद में सोएंगे, सत्य है। जो जिस संसार में जन्म लिया उसका मृत्यु होना निश्चित है, ये परम सत्य है। जिसका मृत्यु हो जाएगा उसका जन्म लेना कोई परफेक्ट बात नहीं। इस जीवन को पाकर के कोई व्यक्ति ऐसा भी मृत्यु को प्राप्त करता है जिसको जिंदगी फिर से जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि नहीं? मृत्यु को पाकर के अमरता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन को पाकर के मृत्यु उसका होगा ही, इसको कोई टाल सकता नहीं, ये सत्य बात है। लेकिन मृत्यु शब्द को सुन करके हम घबरा जाते हैं। वैसे ही राजा परीक्षित मृत्यु से घबराया हुआ था। उनकी कथा बताने लगो तो बात उधर ही चली जाएगी, और क्यों घबराया था ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना? अमृत्यु से घबराया हुआ प्राणी वेदव्यास मुनि महाराज से गया, कहा कि मुझे एक सप्ताह में मेरा मृत्यु हो जाना है, अब मैं जीना चाहता हूँ, कुछ उपाय है? क्या उपाय है? पर वो उपाय मैं नहीं बताऊंगा, आप सुखदेव मुनि महाराज के पास जाओ। देखिए श्रीमद् भागवत की रचयिता वेदव्यास मुनि महाराज, जब वो लिख सकते हैं तो कह नहीं सकते थे क्या? बता नहीं सकते थे क्या? बता सकते थे, लेकिन उन्होंने टटोला अपने आप को कि नहीं, ये राजा है, पारिवारिक जीवन इसका भी है, पारिवारिक जीवन मेरा भी है, और दोनों बराबरी होकर के बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बात अटक जाएगी। इसलिए उन्होंने सीधा इंगित कर दिया कि सुखदेव मुनि महाराज के पास जाओ भाई, वही बताएंगे आपको इसका उपाय। अब उनके पास जब गया ना तो हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज मैं मृत्यु से घबराया हुआ प्राणी हूँ, क्या अमरता को प्राप्त कर सकता हूँ? क्या मृत्यु को रोका जा सकता है? उन्होंने कहा रोका नहीं जा सकता, परंतु हाँ मृत्यु का जो भय है ना आपका, वो भय से आपको निकाला जा सकता है। उन्होंने सार शब्द में कह दिया, वो गुणार्थ को तो बात में बताया। पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ मृत्यु से बचो, किसी भी व्यक्ति घबराया व्यक्ति को मृत्यु से नहीं बचोगे, कहो और आटे खा जाएगा, तो उसको संभालने के लिए तो कुछ बात बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मृत्यु से बचाओगे, और वो कैसे बताया उसको? एक और छोटी सी इसी बीच में मैं आपको मैं कहानी बनाऊं बताऊं। एक बुढ़िया माता थी, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, सोचती थी कि बेटा की कंधा में मैं शमशान को जाऊंगी, सपना सजाई थी, पर विधि के विधान ने ऐसा किया कि बेटा को माँ को कंधा देना पड़ा। चौथी चरण में जा चुकी थी, वृद्ध अवस्था हो चुकी थी, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ मृत्यु कब किसको आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या ठिकाना? कोई ठिकाना नहीं है, तो बेटा ही का मृत्यु हो गया। माता खूब घबराई और सिर कुट कुट करके रोने लगे। जब वो रोने लगी तो आस पास के पड़ोसन भी आ गए, इकट्ठे हो गए, काफी लोगों की भीड़ हो गई। तो इतने बीच में एक संत वहीं से गुजर रहा था, भीड़ को देख करके उन्होंने भी प्रवेश लिया कि भीड़ का है, सब लोग रो रहे थे, कहा आल आप तो क्यों रो रहे हो? तो कहिए माता जी जो सयानी है ना, इनका जवान बेटा चला गया। सब राम कहानी कहानी बताने लगे। महात्मा जी एक ही बार में कहा कि बेटा जी जाएगा, जैसे उसने कहा कि बेटा जी जाएगा तो सबका रोना बंद, बिल्कुल शक जैसे, करंट जैसे, सबका रोना बंद। कहा बाबा ये बताओ ये कैसी जी जाएगा? तो कहा एक तोला राई की जरूरत है, एक तोला राई
का आप कहीं से ले आओ, ये जीज है, पर ध्यान रहे उनके घर से लाना जहां जहां से जिस घर से किसी का मृत्यु ना। लोग एक तोला राई को तो ध्यान में रखा लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे, उसको ध्यान में नहीं लिया, बात तो सुन रहे थे लेकिन उसको ध्यान में नहीं बैठाए कि किसी के जिसके घर से किसी का मृत्यु ना। उनकी बुढ़िया माता उठी और पड़ोस में गई, कहा माँ मुझे एक तोला राई चाहिए, राई समझ रहे हैं ना, सरसों का बीज। तो कही एक तोला क्या, मेरा बेटा जी जाएगा आप एक तोला रही दोगे तो, कही एक तोला कहा तो एक किलो ले जाओ। कई कई बात ऐसे होते हम कहते हैं पर समझते नहीं है, कई वो ये बताओ एक किलो तो आप दे दोगे पर आपके घर से किसी का मृत्यु ना हुआ, ये बात वो बुढ़िया माता कहती थी परंतु बात को केयर में लेती नहीं थी, कहती जरूर थी। तो जिसके घर में जाए कहे कि आपके घर किसी का मृत्यु ना हुआ हो तो कोई ना कोई तो दुनिया से उठा ही है, उनका याद करके वो घर वाले ही रोना चालू कर देते थे कि मेरा अमुक चला गया, मेरा अमुक चला गया। ऐसे करते करते पूरे गांव घूम लिया, पूरे गांव घूम लेती है लेकिन कहीं एक तोला राई नहीं मिला। घूमते घूमते वो माता जी को ये ज्ञान हो गई, अरे मैं सोचती थी कि मेरी घर से बेटा उठा है पर ये दुनिया ही एक ऐसा है, ये दुनिया सब उठने ही वाले, तो मेरा बेटा ही उठ गया तो कौन सी बड़ी बात। गांव को घूमते घूमते उसको बोध हो जाती है और आकर के संत की चरण में गिरती हैं और कहती हैं बाबा आपने तो अमरता को प्राप्त करा लिया, मैं सोचती थी कि मेरा बेटा ही गया है लेकिन दुनिया में जितने आए सभी जाने वाले ही हैं। उनको बोध हो गए और रोना धोना बंद। ठीक इसी तरह से राजा परीक्षित मृत्यु से जरूर घबराया था लेकिन जब श्रीमद् भागवत की कथा ध्यान पूर्वक उसने सुना ना तो जो मृत्यु से घबराया था वो डर उसके हृदय से निकल गया, मरा नहीं ऐसी बात नहीं है। राजा परीक्षित का भी शरीर शांत हुआ नहीं हुआ होता तो अभी भी जीते, उसका भी शरीर परिवर्तन हुआ लेकिन जो भय था मृत्यु का वो नष्ट खत्म हो गया। कथा सुनते सुनते उनका मोह खत्म हो गया, काम क्रोध मद लोभ अहंकार सारे नष्ट हो गए। कैसे करने से कौन दुर्बुद्धि को धारण करने से अगुण को धारण करने से क्या सजा होती पूरा उनको बोध हो गया। अबोध हो जाने के बाद उसका मन पवित्र हो गया। उसी बीच में कथा के शुरुआत में ही राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव मुनि महाराज से कि महाराज पूजा की सामग्री क्या लगेगा। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि महाराज ने पूजा की तीन सामान बताया। वो तीन सामान कौन, आजकल आप लोग भागवत सुनते या सुनाते हैं करते करवाते हैं तो कितना लगता है तो आपको आइडिया है, पर सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया ना तो उन्होंने पूजा की तीन सामग्री मंगाया। अब वो तीन सामग्री क्या क्या था, पहला सामग्री राग देतम हृदयम वाक दुष्टा नितादि भी हिंसा रहितम काया एतद ईश्वर पूजा। ईश्वर की पूजा में भगवान की पूजा में तीन सामान चाहिए, क्या क्या, तो पहले तुम्हारा हृदय राग द्वेष दोनों से परे हो, ना राग हो ना द्वेष, ये पहला सामान। दूसरा सामान है वाक दुष्टा नितादि भी वाणी से कभी झूठाई ना, दूसरी सामान। और तीसरी सामान उन्होंने बताया हिंसा रहितम काया, काया माने शरीर, इस शरीर से किसी भी प्रकार से मनसा वाचा करवणा से हिंसा ना। ये तीन सामान लेकर के बैठोगे राजा तो निश्चित है कि आपके जीवन का कल्याण हो जाए, यही पूजा की सामान।
जिसको सदगुरु कबीर ने बताया है पहला सामान राग दस से परे। पहला सामान सदगुरु ने एक साखी में बताया, कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे और ना काहू से दोस्त थी तो ना काहू से बैर। पहला सामान। और दूसरा सामान, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप और जाके हृदय सत्य है तहां विराजे आप। ठीक है, ये दूसरा सामान। तीसरा सामान सदगुरु ने हमको दिया है, जीव मत मारो बापुरा गाय मत मारो नहीं कहा उसने, ध्यान दीजिएगा। जीव मत मारो बापुरा सबका ये कई प्राण हत्या कबहू न छूटी है और कोटिन सुनो पुराना। इतना सुंदर सिद्धांत पाकर के एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसमें हम उलझ जाएं तो बताओ जीवन किधर जाएगा, थोड़ा सोचिए तो सही। गुरु की शरण को प्राप्त करने के बाद सज्जनों जहां जहां डोलो सोई परिक्रमा, अच्छा अर्थात केवल हम माला लेकर के बैठ जाएं यही पूजा होगा ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने दिल से मनसा वाचा कर्मणा से सात्विक कर्म आप जहां भी कर रहे हैं, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे दुकान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इन प्रकार आपके कर्म क्षेत्र में आपकी योग्यता अनुसार जहां भी आप कर्म कर रहे हैं उस कर्म के आगे आप सत्य को लगा दीजिए। वास्तविक में कहो एक डॉक्टर के लिए भगवान कौन होता है, एक डॉक्टर के लिए भगवान एक मरीज होता है। अब उस मरीज का इलाज भगवान समझ करके सदगुरु समझ करके अगर वो कर देता है तो सदगुरु को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई दो मत की बात। मरीज मत देखे हो, जिसको भी अपने दिल में आराध्य माना है। केवल ये मैं नहीं कहती कि सदगुरु कबीर का ही बंदा हो, चाहे वो राम कृष्ण गौतम गांधी जिनका भी बंदा हो, उस मरीज को उस रूप में देख ले और उस रूप में देख करके वो इलाज कर दे। हम ये नहीं कहते कि वो अपना मजदूरी ना ले, दवाई के पैसे ना ले, अपना ड्यूटी का पैसा ले, अपने दवाई का पैसा ले, लेकिन साथ में ईमानदारी। तो जहां जहां डोलू सोई परिक्रमा। केवल भगवान मंदिर में रहता है ऐसा कोई बात नहीं, मंदिर में केवल उनके तस्वीर है, लेकिन तकदीर कहां है तो हम और आपके दिल में उनके तकदीर है। अब वो तकदीर के अनुसार पर अगर हम कर्म करते हैं, अगर एक कोई दुकानदार है, अब दुकानदारी कर रहा है, उनके जो ग्राहक आ रहे हैं उन ग्राहक को अगर वो भगवान मान ले, इष्ट मान ले, अपना आराध्य मान ले, तो मीटर नहीं सरकाएगा, किलो नहीं सरकाएगा, केजी नहीं सरकाएगा। हर दुकानदार को आप देखोगे ना, सुबह खोलेंगे तो अगरबत्ती जलाएंगे अपने इष्ट को, इष्ट को अगरबत्ती जलाते हैं पता नहीं वो क्या मांगते हैं, लेकिन इष्ट को अगरबत्ती आप जला रहे हैं तो आने वाले ग्राहक को आप इष्ट के रूप में देख तो लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप दुकानदार हैं तो जितना में आपने खरीदा है उतने में दे दो, हम नहीं कह रहे। आप सामान जितने में खरीद करके लाए हैं उसका ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, अपना चार्ज, वर्कर का चार्ज उसमें प्लस कर लीजिए और उसमें उचित भाव जो बनता है उस पर आपने दे दिया तो सज्जनों शायद आपकी पूजा वहां हो जाएगा। अगर बत्ती समर्पण नहीं भी करोगे तो जिसको भी आपने भगवान माना है वो दिल से आपको स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर बत्ती भी जलाया है हमने, एक केजी कोई सामान को मांगा हमने 900 ग्राम दे दिया, एक केजी का पैसा ले लिया, तो क्या वो बैठा है उसका आंख बंद है कि तुम देने वाले का आंख बंद है? लेने वाला भला ना जाने ना जाने, लेकिन देने वाला को तो पता है। लेने वाला आपके विश्वास पर, आपकी ईमानदारी पर, आप जितना दोगे उतना लेकर के चला जाएगा, वो बाट पर निगाह नहीं देख रहा है। आपके विश्वास पर, आपकी ईमानदारी पर, आप जितना दे रहे हो उतना वो लेके जा रहा है। और हमने ऐसा नहीं किया,
तो उस विश्वासघात का आहत किसको होगी? लेने वाले को, देने वाले को होगा। आई विधर हम माला लेकर के ध्यान में बैठ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बेईमानी नहीं छूट रही है, तो पूजा पाठ आराधना क्या करेगा? बताइए तो भला। इसलिए आप पूजा पाठ ना करो, मैं नहीं कहती, समय है आपके पास तो तन की पवित्रता के लिए जरूरी है, कर लीजिए, लेकिन साथ में दिल की पवित्रता के लिए, हृदय की पवित्रता के लिए ईमानदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। मंदिर में जाने के बाद जो आपकी भावना पवित्र होता है, वही पवित्र भावना अगर आप घर बैठे कर लेते हैं तो शायद आपका घर मंदिर हो जाएगा। हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर को मंदिर बना लें। और घर मंदिर कब बनेगा? जब घट आपका मंदिर बनेगा। और जब तक हमारा घट मंदिर नहीं बनेगा, हम घर को भी मंदिर नहीं बना सकते। तो घट को हमें मंदिर बनानी होगी। ऐ बना बनाया घट मंदिर है ही, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। लो ना, गांव में कोई मंदिर बनाता है, सेठ साहूकार कोई भी बड़ा आदमी, हमको पता है फलाना माल गुजर्रे बनाया कि फलाना गोटिया ने बनाया, ठीक है, लेकिन इस 3.5 हाथ के मंदिर को किसने बनाया, कभी याद किया? इसका भी तो कोई बनाने वाला होगा। अबे 3.5 हाथ की मंदिर को बनाने वाला ने बना करके सृजन करके निर्माण करके स्वयं इसके अंदर में बैठा है, उसको हमने कभी मन से स्वीकार नहीं किया। गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का यही अर्थ होता है, जब तक हम निज की घट को प्राप्त नहीं कर पाए, हमारे गुरु करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए गुरु क्या करते हैं? गुरु शब्द अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करता है। मेरे कहने की आशा यही है, अंधकार दूर हो जाए, प्रकाश हमें प्राप्त हो जाए, अज्ञानता दूर हो जाए, ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। ज्ञान कब होगा? कभी कभी सोच करके देखो तो बड़ा दुख लगता है। मनुष्य के जीवन को ज्ञान का केंद्र माना जाता है, लेकिन कभी अंतः तल में बैठ करके आप देखें ना, तो पशु पक्षियों की जिंदगी को देखोगे तो लगता है कि मनुष्य से ज्यादा अच्छा है। हालांकि पशु पक्षी का जिंदगी, लेकिन कम से कम ईमानदारी से जीत हो रहा है। मनुष्य जैसे बेईमान तो नहीं है। आप देखेंगे किसी भी मवेशी को भूख लगेगा ना, किसी की भी खेत में उतर करके खा लेगा, लेकिन गांठी बांध करके नहीं लाता है। लाता है गांठी बांध के, भूख से पीड़ित है तो भूख मिटाने के लिए खा लेगा। उनको ये पता नहीं कि मेरे मालिक का है कि दूसरे का है, उनको केवल भूख मिटाने की दर्द है। वो दर्द को मिटाने के लिए किसी की खेत में उतर करके घास खा लेगा, लेकिन गांठी बांध के नहीं लाएगा। लेकिन मनुष्य जाएगा तो मान लीजिए आपके खेत में चना लगा है, आप अपने खेत को निगरानी करने गए, रक्षा करने गए, रखवाली करने गए, मन कहता है कि चना खा लिया जाए, तो आप कहां से खाते हो? अपने खेत से? अपने खेत को तो रखवाली कर रहे हैं आप गए हैं, और अपने खेत से खाओगे तो रखवाली कैसे होगा? रखवाली नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं? बगल वाली खेत से निकाल लेते हैं। और जब घर आते हैं ना, तो बाल बच्चों का याद आता है। बच्चा पूछेगा कि पिताजी कहाँ गए थे? मैं बताऊंगा कि चना के खेत गया था रखवाली करने। तो बच्चा बोलेगा कि हमारे लिए चना नहीं लाया, तो उसका भी प्रश्न का उत्तर देना है, तो थोड़ी रख भी लेता हूँ, तो अपने खेत से रखते हैं। ईमानदारी से जरा दिल से पूछो, बहुत ज्ञानवान होगा, बहुत अपने आप की जिंदगी को सवारा होगा, सजाया होगा। वही व्यक्ति ये कर सकता है कि अपने खेत का खाएगा, अपने खेत से लाएगा, नहीं तो बगल को ही हम ताकते हैं, अब बगल के खेत से उठा करके ले आते हैं।
हमने गया बगल की खेत से लाया, आपने गया मेरे खेत से ले लिया, तो बराबर हो गया ना। मैंने गया आपकी खेत से ले आया, आपने गया मेरी खेत से ले आया, तो दोनों बराबर हो गया ना। लेकिन परिणाम क्या हुआ? सत्य हुआ, परिणाम क्या हुआ? परिणाम चोरी हुआ। चोरी का आरोप लगा कि नहीं लगा? बराबरी, मामला बराबरी की, लेकिन आरोप किसकी है? चोरी की। आज चोरी से खाया हुआ अन्न जैसा खावे अन्न, अवैसा होवे मन। कर्म के क्षेत्र बड़ी बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इसलिए सदगुरु ने कहा है, जहां जहां डोलू सोई परिक्रमा, और जो कुछ करूं सो पूजा। आप पूजा स्थल में जाते हैं, पवित्र भावना पवित्र मन, वही पवित्रता अपने साथ रख लीजिए, तो हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने जिंदगी में गुरु को शरणागति हमने प्राप्त किया, वो बरकरार कब होगा? तो हम अपने कर्मों को पहले झांकें, और अपनी कर्म को झांकेंगे परिणित ऐसा होगा, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि वास्तविक में सही सलामत में मैंने गुरु का शरण को प्राप्त किया है, गुरु के ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। अब कदाचित ऐसा नहीं है तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हमने गुरु जरूर किया है, लेकिन सिद्धांत से हमने गुरु को स्वीकारा नहीं है। जब हम गुरु को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो सज्जनों हम लाख गुरु पूर्णिमा मनाते रहे, उस तत्व को हम प्राप्त कर पाएंगे नहीं। आज हमें यही बात सीखनी है। गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर, वैसे आपको पूर्व वक्ताओं ने बता ही चुका है कि गुरु पूर्णिमा वास्तविक में कहो तो दिन तिथि के अनुसार में 3 तारीख को है, लेकिन एक ही साथ सब जगह तो मनाया जा नहीं सकता है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार आज जिस दिन चेतना प्राप्त हुई उसी दिन हमने स्वीकार कर लिया, और गुरु तत्व को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान तत्व को प्राप्त करने के लिए, अमरता को प्राप्त। गुरु हमें तीन ही चीज को प्राप्त कराता है, पहला है प्रकाश, दूसरा है ज्ञान, और तीसरा है अमरता। ये तीन चीज हमें गुरु प्राप्त कराते हैं, और गुरु की शरणागति को प्राप्त करने के बाद वास्तविक में ये तीनों चीज हमारे जीवन में आया कि नहीं आया, उसे हमें परीक्षण करना है। गुरु हमारा परीक्षण नहीं करेंगे, वो परीक्षण हमको स्वयं को करनी है। परीक्षा हम दिलाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं वो परीक्षा हमारे नाम से नहीं दिलाते हैं। दिलाते हैं क्या? परीक्षा हमें देनी है, और उस परीक्षा में हम कितना सफल होते हैं उसे हमें अपनी आप से पूछना है, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा की ये पावन शुभ अवसर में हमें यही बोध होना है, यही जानकारी। अभी तक मान लीजिए हमने मंजिल को नहीं पाया है, तो आज से ही हम संकल्पित हो जाएं उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा, और जीवन साकार होकर के मानव जीवन भी हमारा सफल हो जाएगा। समय कर रहा इनकार, सद्गुरु को करे नमस्कार, अतः होगी हम सबों की बेड़ा पार, साहिब बंदगी।